सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। शायद ही कोई वन पीस फैन होगा जिसे ये ओपनिंग पसंद नहीं होगी। खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हें इस ओपनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में तुमने किसी और के मुंह से सुना नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जान लो कि ये वीडियो फुल्ली मेरे रिसर्च पे बेस्ड है। इस टॉपिक पे वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई, ना ही किसी जापानीज यूट्यूबर ने, ना ही किसी फॉरेन यूट्यूबर ने। तो इस वीडियो का फुल्ली कॉपीराइट ओनर मैं हूँ। जैसा कि तुम सब जानते हो, वन पीस के स्टार्टिंग के एपिसोड की एनिमेशन बहुत खराब थी। रीजन तो ये एनिमेशन को इस मास्टरपीस पे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये फ्यूचर में आगे जाके एनिमे इंडस्ट्री में राज करेगी। खैर अगर तुम इसके बारे में सर्च करोगे ना तो सिंपली तुमको कुछ चीजें जो है आसानी से मालूम पड़ जाएगी। जैसे इसके सिंगर हिरोशी कितादानी और लेबल लगा है कोलंबिया म्यूजिक एंटरटेनमेंट का। यहाँ तुम्हारा सवाल उठ सकता है कि आखिर ये म्यूजिक के ऊपर लेबल ये किस चिड़िया का नाम है और इस एनिमे का ओनर तो ये एनिमेशन है, तो फिर यह कोलंबिया म्यूजिक एंटरटेनमेंट क्या कर रही है। टेंशन मतलब सब डाउट क्लियर करूंगा। देखो तो ये एनिमेशन एनिमे बनाती है, म्यूजिक नहीं बनाती, और ऐसा ही बाकियों के साथ भी सीन है। चाहे वो स्टूडियो पीरियड जिसने नारुतो, ब्लैक क्लोवर, ब्लीच जैसे एनिमे को एनिमेट किया है, या फिर मैड हाउस हो जिसने वन पंच मैन जैसे मास्टरपीस को बनाया है। ये जितने भी एनिमेशन स्टूडियोस होते हैं अपने एनिमे के ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग के लिए म्यूजिक कंपनीज को हायर करती है। जैसे डीमन स्लेयर का ओपनिंग सॉन्ग सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट जापान ने बनाया है। अब इन सबसे भी पहले एक और काम होता है, म्यूजिक के लिरिक्स को लिखना, और वी आर ओपनिंग के लिरिक्स को लिखा है सोको फुजी बयासी ने। अगर मैं नाम सही से नहीं लिखा हूँ, लिख दिया, खुद पढ़ लो। अब देखो जब डिसाइड हो गया वन पीस का एनिमे बनाना है तो एनिमेशन सबसे पहले की उसके ओपनिंग के लिए सोनी म्यूजिक के पास। अब इन्होंने लो बजट होने के चलते मना कर दिया। फिर ये लोग गए कोलंबिया म्यूजिक एंटरटेनमेंट जापान के पास। इन्होंने बोला हम बनाना तो चाहते हैं बट इतने कम बजट में म्यूजिक नहीं बन सकती। तो वालों ने बोला ठीक है, हमें पूरे सॉन्ग से मतलब नहीं है, ओपनिंग जितना बनाओ बस। यहाँ पर मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, जितने भी एनिमे ओपनिंग के सॉन्ग्स होते हैं उन सबका एक्चुअल लेंथ टाइम 4 से 5 मिनट का होता है, जिसमें से 1.5 से 2 मिनट काट के ओपनिंग बनाया जाता है और बाकी जो कुछ भी बचता है वो गया तेल लेने। वी आर सॉन्ग की एक्चुअल लेंथ 4 मिनट की है, जिसे फिर टॉय एनिमेशन वालों ने बोला ओपनिंग जितना ही कवर करो बाकी छोड़ दो। तो उन लोगों ने फिर 1:49 तक का ही रिकॉर्ड किया। अब हम आते हैं इस ओपनिंग के सिंगर के पास। पहले ही बजट कम था, उस वक्त के ज्यादातर सिंगर्स ने ये बजट देख करके ही मना कर दिया, क्योंकि यार उन्हें जो है ना कम पैसे दिए जा रहे थे और फेमस सिंगर्स जो होते हैं उनको तो यार हाई पेड करना ही पड़ता है। यहाँ पर निकल के आए हिरोशी कितादानी। उनका उस वक्त ना बहुत बुरा टाइम चल रहा था, उनका करियर लगभग खत्म ही होने वाला था, बिकॉज उससे 1 साल पहले उनकी जो बैंड हुआ करती थी उनकी टीम ना पूरी तरह से टूट गई थी और इस वजह से उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था, और इस वजह से तुम समझ लो कि उनका करियर लगभग खत्म ही हो चुका है। बट फिर उन्होंने सोचा एक लास्ट बार ट्राई करते हैं, और उन्हें मिल गया मौका वन पीस के वीआर ओपनिंग को गाने का। ये ओपनिंग हिट हुई और क्या था फिर इनका करियर दौड़ पड़ा। खैर तोई वालों का प्लान था इस ओपनिंग को अलबास्टा आर्क के एंड तक दिखाना। वो सीन तुम्हें याद है जब वीवी वहां पर चिल्ला करके बोलते हैं क्या हम लोग इसके बाद भी फ्रेंड बने रह सकते हैं, और उसके बाद स्ट्रॉ हैट अपना हाथ उठा करके दिखाती वो क्रॉस वाला निशान जो फ्रेंडशिप का होता है, और वो वाला सीन के बाद एक बार फिर से जो है वो वीआर ओपनिंग बजता और उसके बाद हमें नया ओपनिंग देखने को मिलता। बट फिर वन पीस की फर्स्ट मूवी की सफलता को देखते हुए बजट बढ़ा दिया और इसी वजह से हमें जो है नया ओपनिंग देखने को मिला। अराउंड अलबास्टा आर्क तक हमें 3 ओपनिंग देखने को मिलते हैं। खैर अब आते हैं इस सॉन्ग के फुल वर्जन के तरफ। मैंने पहले ही बताया था वीआर सॉन्ग का फुल लेंथ 4 मिनट का है, बट इसे 1:49 तक रिकॉर्ड किया गया था। तोई वालों ने आगे के पार्ट को भी रिकॉर्ड करवाया और इसे एक नया ओपनिंग बनाया, वन पीस ओपनिंग 10 वीआर फिलर पार्क वाला याद ही होगा, वो इस ओपनिंग का आगे का पार्ट है और वो भी एक रिमिक्स वर्जन में है जिसे गाया था टीबीएक्सक्यू नाम के बैंड ने। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जब मैं ओपनिंग 10 पे बनाऊंगा। इसके अलावा वीआर ओपनिंग का एक और वर्जन है जिसे स्ट्रॉ हैट के वॉइस एक्टर्स ने गाया था। एक्चुअली एचिरो ओडा को किसी ने एसबीएस में एक सवाल पूछा, कैसा होता अगर स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग इस सॉन्ग को गाते, तो ओडा ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और इसी वजह से हम लोग को वीआर का स्ट्रॉ हैट वर्जन भी देखने को मिला, जिसे तुम यूट्यूब पे ऑब्वियसली बातें सुन सकते हो। इसके अलावा जितने भी वन पीस के सॉन्ग्स हैं उन सबका मैंने जो लिंक दे दिया है, जो जो वीआर के मैंने यहाँ पर कवर किए हैं,
अगर तुम उन्हें जो है सुनना चाहते हो तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सुन सकते हो। प्लस ये एक लौती ओपनिंग सॉन्ग है जिसका हिंदी में भी डब हुआ है। दौलत शौहरत ताकत, पायरेट किंग रॉजर के कदमों में पूरी दुनिया थी, मगर पकड़े जाने से पहले उसने अपना खजाना वन पीस एक अनजान जगह में छुपा दिया। अब खजाने की तलाश में ऐसी भीड़ है जैसे सड़क। अगर किसी को जानना है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी और हिंदी वाले वर्जन पे, बट फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अगर तुमको ये वाला पार्ट अच्छा लगा, अगर तुमको यहाँ पर एक भी पॉइंट ऐसा मिला जो तुम्हें पहली बार मालूम पड़ा, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक मार देना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। और साथ ही साथ अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर तुम्हें वन पीस रिलेटेड नए नए वीडियोस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ तुम लोग को नया नया चीज़ ला के बताऊँ जो तुम्हें मालूम ना हो। तो यार प्लीज़ अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो और तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, उसके अलावा डिस्कॉर्ड भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।